सन एंड स्टार्स, ठीक है? एज यू आर रीडिंग दिस यू आर मूविंग एट अबाउट वन जीरो सेवन थाउजेंड किलोमीटर रिलेटिव टू द सन एंड यू आर मूविंग इवन फास्टर रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी है ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हुए लेकिन आप इस समय क्या कर रहे हैं आप मूव कर रहे हैं क्योंकि अर्थ खुद ही मूव कर रहा है ठीक है तो इस वजह से बच्चों रिलेटिव टू ना किसी के नजरिए में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ ये रुका हुआ है या फिर ये मूव कर रहा है ठीक है तो देखिए बच्चों अब तक हम लोगों ने देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है जो चीजें हमारे को रेस्ट पे भी लग रही हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो वो क्या कर रही है वो मूव कर रही है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा अर्थ जो है वो तो मूव कर रहा है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं बच्चों कि यहां पर हमारे को जो भी बातें करनी है वो किसी के नजरिए से करनी होगी तो यही नजरिए की बात हम लोग करते हैं यूजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पहले पार्टिकल की पोजिशन हम लोग अपने हिसाब से बताएंगे और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर उसकी पोजिशन समय के साथ चेंज हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में और अगर हमारे को ऐसा लगेगा कि हमारे रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि वो रेस्ट पर है हमारे नजरिए में ठीक है तो वही यहाँ लिखा है टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना पहले हमारे को पोजिशन के बारे में बात करनी पड़ेगी अ कन्वीनियंट वे टू फिक्स अप द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एंड नेम देम एक्स वाई जेड एक्सेस ठीक है तो देखिए बच्चों एक्स वाई जेड एक्सिस जब हम लोग बना लेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग पार्टिकल का कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्लॉक को इंट्रोड्यूस कर दें तो हम लोग समय के साथ उस पार्टिकल के पोजिशन के चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियर ये बात तो वही यहां पर लिखा है कि एट अ क्लॉक इन टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मेजर द time if all the three coordinates x y and z of the particle remain unchanged as time passes तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे नजरिए में है ना विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर है और अगर इसमें से कोई भी कॉर्डिनेट चेंज हो रहा है है ना समय के साथ तो हम लोग कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम है ना अब देखिए बच्चों ये जो नजरिया है इसके चॉइस में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना देर इज नो रूल और रिस्ट्रिक्शन ऑन द चॉइस ऑफ अ फ्रेम वी कैन चूज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस टू डिस्क्राइब द सिचुएशन अंडर स्टडी ठीक है जैसे कि मान लीजिए जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं ठीक है तब आप क्या करते हैं देन इट इज कन्वीनियंट टू चूज अ फ्रेम अटैच टू आवर कंपार्टमेंट ठीक है द कॉर्डिनेट्स ऑफ अट के प्लेस्ड ऑन द अपर बर्थ डू नॉट चेंज विथ टाइम हाँ अगर ट्रेन झटका ना दे जो जनरली नहीं होता है है ना एंड वी से दैट द सूटकेस इज एट रेस्ट है ना हम लोग ऊपर के बर्थ पे मान लीजिए सूटकेस को रख दिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई सूटकेस जो है हमारा आराम से रेस्ट पर है तो ऐसा हम लोग क्यों कह पाते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो फ्रीम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा चुना है कंपार्टमेंट से अटैच्ड क्लियर रही बात तो वही देखिए अब क्या होता है कि जैसे जैसे स्टेशन पास करते जाते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स पास करते जाते हैं ट्रीज पास करते जाती है हमारे रेस्पेक्ट में एक्चुअल में तो स्टेशन वहीं पर है इलेक्ट्रिक पोल वहीं पर है ट्रीज वहीं पर है लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि स्टेशन पास कर गया इलेक्ट्रिक पोल पास कर गया ट्रीज पास कर गई है ना ऐसी बातें हम लोग करते हैं बिकॉज हमने ऐसा फ्रेम चुना है और उसी के नजरिए में अब हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ठीक है और इसी वजह से देखिए क्या होता है वी सी दैट बॉम्बे इज कमिंग पुणे हैज़ ऑलरेडी पास्ड है ना लेकिन बॉम्बे और पुणे ये सब तो अपनी जगह पर रुके ही है ना ठीक है चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो मान लीजिए कि कि एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट पर पर था टी वन टाइम पर, और फिर वो टी टू टाइम पे बी पर चला गया विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम है ना यहां पर ये एक्स है ये वाई है ये जेड है क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों यहां पर उसने रास्ता तो ट्रेवल करने का ये वाला चुना ठीक है तो हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ए सी बी है ना ये जो कर्व है तो इसकी जो लेंथ होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल क्लियर है और आप देख पा रहे हैं कि ए और बी को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली एक वेक्टर है इनफैक्ट है ना ए से बी के तरफ एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है ठीक है तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये जो वेक्टर है ये बेसिकली क्या है ये कहलाता है डिसमेंट ठीक है और इस वेक्टर का है ना इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द लेंथ ए बी वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है ठीक है तो वही बात देखिए यहां पर लिखिए बच्चों कि ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी वन टू टी टू पार्टिकल क्या करा पार्टिकल ए सी बी रस्ते के अलोंग मूव करा अब जो ये जो ए सी बी है ना ये जो ए सी बी पाथ की लेंथ है उसे क्या कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड द पार्टिकल ड्यूरिंग टी वन टू टी टू और इफ वी कनेक्ट द इनिशियल ए विद द द फाइनल बी बाय अ अ स्ट्रेट लाइन वी गेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इसके अलावा बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन और उसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम इनिशियल टू द

इनिशियल लोकेशन ठीक है तो देखिए बच्चों ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे को सबसे पहले एक्स वाई जेड एक्सेस बनानी चाहिए यहां पर बच्चों ये जो वाई एक्सेस है ये बेसिकली डिनोट कर रहा है अप को ठीक है अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो एक्सजेड प्लेन है है ना ये जो एक्जेड प्लेन है इसको मैंने कैसा माना है कि ये हॉरिजोंटल है ठीक है ना तो आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि हॉरिजोंटल प्लेन में ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव जेड की डायरेक्शन है ना जो नेगेटिव जेड की डायरेक्शन है तो इसको अगर मैं क्या नाम दे दूँ इसको अगर मैं नाम दे दूँ नॉर्थ ठीक है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये क्या बन जाएगी ये बन जाएगी ईस्ट ठीक है उसी तरीके से जो पॉजिटिव जेड एक्सिस है उसे क्या बनना पड़ेगा साउथ बनना पड़ेगा ठीक है और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी वेस्ट ठीक है अब पार्टिकल पहले तो ओरिजिन पर था ठीक है? अब वो सबसे पहले किधर गया थ्री मीटर वेस्ट की तरफ गया फिर टू मीटर टूवर्ड्स मतलब फिर वो टू मीटर्स गया पॉजिटिव के उसके बाद वो फाइव मीटर्स गया जेड एक्सिस के पैरल ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फिश पहले कहां पर था ओरिजिन पर था और सबसे पहले वो थ्री मीटर्स गया वेस्ट की तरफ ठीक है तो यहां पर मैंने माइनस थ्री मीटर आई कैप से उसे दिखाया है फिर वो गया टू मीटर्स अप है ना तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगला जो है ना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसा हुआ टू मीटर जे कैप और उसके बाद वो किधर गया फाइव मीटर के कैप की तरफ है ना तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगला डिस्प्लेसमेंट फाइव मीटर के कैप का हुआ तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि पहले उसका कॉर्डिनेट क्या था जीरो कमा जीरो कमा जीरो फिर बाद में उसका कॉर्डिनेट क्या हो गया तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बाद में है ना वो x उसकी जो x कॉर्डिनेट है वो क्या हो गई वो हो गई माइनस थ्री वाई कॉर्डिनेट कितना हो गया तो वो हो गया टू और z कॉर्डिनेट कितना हो गया तो वो हो गया फाइव ठीक है तो यहां पर जो हम लोग r वेक्टर है जो पोजिशन वैक्टर है फाइनली है ना ये r फाइनल पोजिशन वैक्टर जो है उसको क्या लिख सकते हैं माइनस थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप ठीक है और हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो इनिशियल पोजिशन वैक्टर है वो क्या है वो तो जीरो आई कैप्लसमेंट कैप है एस है तो वेक्टर है, है वो क्या हो जाएगा वो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर आ जाएगा और जो कि कितने के बराबर आ जा रहा है माइनस थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप के बराबर क्लियर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे आप बता देंगे कि इसका जवाब हो जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए अंडर द रूट ऑफ नाइन प्लस फोर प्लस ट्वेंटी फाइव तो देखिए बच्चों इसे ऐड करके क्या आ जा रहा है तो इसे ऐड करके आ जा रहा है अंडर द रूट ऑफ थर्टी एट के बराबर ठीक है रूट थर्टी एट मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया अब अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो वो तो बहुत ही आसान है बताना है ना क्योंकि सबसे पहले वो थ्री मीटर्स ट्रैवल किया फिर टू मीटर तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हो जाएगा फाइव प्लस थ्री प्लस टू दैट इज मीटर्स क्लियर है ये बात चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल आर

और आर्क लेंथ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा क्लियर है बात क्योंकि हमें पता है कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा होता है तो चलिए डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की ठीक है अब देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा हमारे को ए और बी को कनेक्ट करना होगा सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन से ठीक है तो ये देखिए बच्चों अब हमारे को ये ए बी है ना इस ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है क्लियर है तो यहां पर बच्चों अगर मैं सेंटर को ओ नाम दे रहा हूं तो देखिए आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी फॉर्म हो रहा है जिसमें ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है क्योंकि दोनों ही रेडियस है ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने ट्राएंगल ओ ए बी को अलग से दिखाने की कोशिश करी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा एंगल जो है वो थीटा है ना एंगल ए ओ बी जो है वो थीटा है अब ओ ए आर है ओ बी भी आर के बराबर है अब अगर हम लोग यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सिमेट्री से है ना ये एंगल भी थीटा बाई टू हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा बाई टू हो जाएगा क्योंकि एक आइसोसलिस ट्राइंगल में है ना आप देख पा रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है इस तरीके से वो बेसिकली दो इक्वल है ना दो इक्वल ट्राइंगल में यहाँ पर इस पूरे के पूरे ट्राएंगल को डिवाइड कर दे रहा है क्लियर है तो यहां पर हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ऐसा कह सकते हैं ठीक है अब देखिए बच्चों हमारे को निकालना तो ए बी था तो ये जो ए बी लेंथ है उसको कैसे निकालेंगे तो चलिए एक काम करते हैं पहले ये आधी लेंथ निकालते हैं ना इस पॉइंट को मैं लेटर से सी कॉल कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी है ना इन ट्राइंगल ओ ए सी हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए सी होगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा आर साइन थीटा बाई टू क्लियर रही बात तो यहां पर इसे मैं आर साइन थीटा बाई टू लिख सकता हूं क्योंकि साइन थीटा बाई टू विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन हाइपर तो इस वजह से जो है ए सी जो है वो आर साइन थीटा बाई टू आया तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते है? कि AC हैं कि ए सी का डबल ए बी होगा है ना हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टू टाइम्स आर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा बाई टू तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर डिस्टेंस अपॉन अगर डिस्प्लेसमेंट करना चाहे ना डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अगर करना चाहे तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे distance हमें पता है कि कितना था वो तो आर थीटा था और उसे डिवाइड करना होगा किसके साथ टू आर साइन ऑफ थीटा बाई टू के साथ ठीक है तो यहां पर आर से आर देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है थीटा अपॉन

और पॉजिटिव एक्सिस को ईस्ट कह दिया ठीक है तो हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि पार्टिकल ओरिजिन पर था फिर वो 30 मीटर्स नॉर्थ की तरफ गया ना तो मैं मान लीजिए कि इस पॉइंट को ए कॉल कर रहा हूँ और ये कितना दूर है ओरिजिन से 30 मीटर्स है ठीक है उसके बाद बच्चों वो किधर गया उसके बाद वो 20 मीटर गया ईस्ट की तरफ तो मैं यहाँ पर चलिए लगभग इस तरीके से दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट बी पर पहुँचा जो कि कितनी दूरी पर है ए पॉइंट से ट्वेंटी मीटर की दूरी पर है और उसके बाद वो क्या कर रहा है वो थर्टी रूट टू मीटर जा रहा है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ठीक है अब देखिए बच्चों साउथ तो ये है वेस्ट तो ये है और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन इसका मतलब क्या हो जाएगी इसके बीचों बीच है ना मतलब कि ये डिग्री के एंगल पर ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ठीक है तो देखिए बच्चों अगर ये थर्टी रूट टू इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका असर जो है है ना वो साउथ और वेस्ट के लोग कितना कितना आएगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो वेस्ट की तरफ इसका मतलब 30 मीटर्स चला क्योंकि 30 रूट टू कॉस फोर्टी डिग्री थर्टी हो जाएगा और उसी तरीके से वो साउथ की तरफ भी कितना चला 30 मीटर्स चला क्लियर रही बात तो अब हम लोग फाइनली यहां पर क्या कह सकते हैं कि पार्टिक ये जो पर्सन है ना ये जो इंसान है वो एक्स के लॉन्ग कितना चला सबसे पहले ट्वेंटी आई कैप गया उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ थर्टी मीटर गया ना यहां पर हम लोग अभी अभी देख रहे थे कि ये थर्टी मीटर लेफ्ट की तरफ गया तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस थर्टी आई कैप ये तो एक्स केलोंग की बात हो गई ठीक है अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं वाई एक्सिस की है ना तो हम लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ वो थर्टी मीटर ट्रेवल किया और उसके बाद बी पॉइंट से जो है जब वो साउथ वेस्ट की तरफ जाने लगा तो उस दौरान वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग थर्टी ट्रेवल करा तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि पहले तो वो थर्टी जे कैप गया फिर बाद में वो माइनस थर्टी जे कैप गया तो ये हो गई बात वाई एक्सिस के लॉन्ग की ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स केलॉन्ग उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया माइनस टेन आई कैप का हो गया लेकिन वाई के लॉन्ग जो है कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो इंसान है वो बी पॉइंट से कुछ इस तरीके से गया है है ना इस तरीके से कुछ गया है सच दैट कि वो कहाँ पर लैंड किया वो माइनस टेन आई कैप पर लैंड किया है क्लियर ही बात तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा टेन मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर थ्री हो गया ऑल राइट right. चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ठीक है तो देखिए बच्चों एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल इसे किस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो देखिए हमारे को क्या देखना है कि उस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ठीक है और उसे डिवाइड कर देना है किसके साथ टाइम इंटरवल के साथ ठीक है तो वहीं है कि इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी वन टू टी टू है ना टी वन टाइम से लेकर के टी टू समय तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस तो हम लोग यहां तक देख पा रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी एस अपॉन टी टू माइनस टी वन क्लियर ये बात अब ये जो एवरेज स्पीड है वो हमारे को क्या एक्सप्लेन कर रहा है तो वो बेसिकली एक ओवरऑल रैपिडिटी का हमें आइडिया देता है ठीक है जिससे ये पार्टिकल इस इंटरवल में ट्रैवल किया है इसको हम लोग समझ सकते हैं यूजिंग दिस वन डे क्रिकेट मैच एग्जाम्पल तो देखिए बच्चों उसमें क्या होता है कि जो एवरेज रन रेट है 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 ना वो किस तरीके से कोट किया जाता आइए देखते हैं तो देखिए बच्चों जैसा कि कि पर दिया है कि 42 ओवर्स में इंडिया ने 210 हंड्रेड रन अब तक बनाए हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो फाइव रन पर ओवर के हिसाब से यहां पर स्कोर हुआ है लेकिन यहां पर देखिए कि प्रीवियस ओवर में सिक्सटीन रन बन गए थे तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे को सिर्फ ये ओवरऑल रैपिडिटी का आइडिया लगा कि ऑन एन एवरेज किस रेट से रन बने लेकिन हमारे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही कि पिछले ओवर में कितने रन बने थे थ्रू एवरेज है ना तो वही हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ ओवर्स हो सकते हैं कि एक्सपेंसिव रहे हो कुछ हो सकता है इकोनॉमिकल रहे हो लेकिन वो सारे छिप जाते हैं जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या देता है हमें टोटल इफेक्ट इन द गिवन इंटरवल के बारे में जानकारी देता है द रैपिडिटी और स्लोनेस मे वेरी फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट जैसे कि एक एथलीट जो है जब वो दौड़ना शुरू करता है तो शुरुआत में उसकी स्पीड कम रहती है लेकिन ग्रेजुअली वो क्या करता है अपनी रेट को बढ़ा देता है न? अपनी स्पीड को वो बढ़ा देता है ठीक है तो अब देखिए बच्चों किस तरीके से फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करेंगे ठीक है इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया कि किसी टी टाइम पर स्पीड कितनी है तो देखिए उसका तरीका क्या है लेट डेल्टा एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी ठीक है तो जैसे हम लोगों ने टी वन और टी टू लिया था उसी तरीके से इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं टी से लेकर के टी प्लस डेल्टा टी टाइम इंटरवल की बात करें ठीक है. है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन तो वही है हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो डेल्टा टी हो गया ना टी से लेकर के टी प्लस डेल्टा टी टाइम तक की अगर हम लोग बात करें तो टाइम इंटरवल तो डेल्टा टी का आ गया और उसमें उसने अगर डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल करा तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है वो क्या हो जाएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लेकिन बच्चों अगर हम लोग डेल्टा टी पे कंडीशन लगा दें कि वो कैसा हो वैनिशिंगली स्मॉल हो है ना बहुत छोटा हो एंड लुक फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया तो ऑब्वियस डेल्टा एस जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द चोजन टाइम इंटरवल डेल्टा टी है वो भी कैसा हो जाएगा वो भी जीरो को अप्रोच करेगा लेकिन चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बहुत छोटे हो गए इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है है ना उसकी क्या हो सकती है एक फाइनाइट लिमिट हो सकती है ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि टी टाइम पर जो स्पीड होगी टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर भी ऑलमोस्ट वही स्पीड होगी ठीक है तो बच्चों हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो डी टी टाइम है है ना इस डी टी टाइम में ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट स्पीड बी से ट्रैवल करा गया है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया तो डीएस डिस्टेंस ट्रैवल हो गया तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि बी क्या बन गया डीएस बाई डी टी बन गया ठीक है तो वही देखिए बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है किसी टी टाइम पर वो किस तरीके से डिफाइन हो रही है तो देखिए वी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं डीएस बाई डी टी लिख सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए ये जो एस है वो बेसिकली क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी है ना और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो डीएस है वो क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम डी टी क्लियर इंटरवल एंड द इंस्टेंटेनियस डिफाइंड एट अ पर्टिक्यूलर इंस्टेंट है ना ये इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जनरली इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग क्या कह देते हैं सिंपली स्पीड कह देते हैं ठीक है थीके? कि इस समय इसकी स्पीड कितनी है वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है ठीक है अब देखिए बच्चों अगर हम लोग डिस्टेंस एस एज टाइम का तो ग्राफ प्लॉट समझ पा रहे इक्वल टू कर्व एट टाइम टी और ऐसा क्यों क्योंकि हम लोगों ने अभी भी देखा कि वी इज इक्वल टू क्या आ रहा है डी एस बाई डी टी आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है उसका जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि वो का स्लोप बताता है क्लियर है क्लियर ये बात बात अब यहां पर देखिए अगर एवरेज स्पीड की बात करें टी, से कर के टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बीच की अगर हम बात करें तो हम यहां पर डिस्टेंस तो ट्रेवल्ड जो, जो है वो कुछ इतना हो गया तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो ये हो गया डेल्टा एस तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि डेल्टा एस ये रहा डेल्टा टी ये रहा तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो एवरेज है ना एवरेज स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा जो कि क्या बन गया इस ए बी है ना इस ए बी कॉर्ड का बेसिकली स्लोप हो गया ठीक है तो वही यहां लिखा है कि ये जो टी से लेकर के डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी तक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा वो हो जाएगा स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी लेकिन अगर डेल्टा टी जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो ए बी कॉर्ड है वो बेसिकली क्या बन जाएगा टैंजेंट एट ए बन जाएगा और इस वजह से जो एवरेज स्पीड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है इट विल बिकम द स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो कि क्या होगा डी एस बाय डी टी होगा ठीक है चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल है अ पॉइंट हाफ द डिस्टेंस with a speed v naught. The remaining part of the distance was covered with speed v one for half the time, and with speed v two for the other half of the time. Find the mean speed of the point averaged over the whole time of motion. तो देखिए बच्चों इस सवाल में हमारे को क्या दिया है कि एक पॉइंट है जिसने ट्रेवल्स करा हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी नॉट ठीक है तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है पहले A पर था ठीक है फिर उसके बाद वो पहले कहा गया पहले बी तक गया और ये बी की खासियत ये है कि अगर ए से इसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो डी है और ए और डी के बीच में दूरी जो है वो अगर एस है तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है एस बाई टू है क्लियर है ये बात तो ए से बी जो है है ना एस बाई टू डिस्टेंस है और ए से बी जो है वो कितने स्पीड से ट्रैवल करा तो वो वी नॉट स्पीड से ट्रैवल करा क्लियर है ये बात उसके बाद जब वो बी पे पहुंचा तो मान लीजिए कि बी से डी तक पहुंचने में है ना बी से लेकर के डी तक पहुंचने में उसको टाइम लगा लेटस्ट से टू टी ठीक है तो उसने क्या करा कि अगर उसको बी से सी जाने में टी टाइम लगा ठीक है तो बी से सी जो है वो कितने स्पीड से ट्रैवल करा तो वो वी वन स्पीड से ट्रैवल करा इसका मतलब बी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो स्पीड है है ना इसकी स्पीड थी वो कितनी थी वो तो थी वी वन और टाइम में से कितना लगा टी लगा तो ये डिस्टेंस कितना वी वन इंटू टी के बराबर इसी तरीके से बच्चों और हम लोग क्या कह सकते हैं कि सी से लेकर के डी है ना यहाँ तक उसको जाने में कितना टाइम लगा तो टी टाइम लगा लेकिन उसकी स्पीड कितनी रही इस दौरान तो इस दौरान उसकी स्पीड रही वी टू तो हम लोग ये सी से डी तक की दूरी को कितनी कह सकते हैं तो ये हो जाएगा वी टू इंटू टी लेकिन एक बात हमें बच्चों ये पता है कि जो B से लेकर के D की दूरी है वो भी कितनी है S बाय टू के ही बराबर है ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या बाते क्या बातें कह सकते हैं सबसे पहले तो हम लोग बी से डी के सफर की अगर बात करें तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वी वन इंटू टी प्लस वी टू इंटू टी ये किसके बराबर आ गया तो ये एस बाय टू के बराबर आ गया तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टी है, है ना उसकी वैल्यू कितनी आ गई तो वो आ गई एस अपॉन टू टाइम्स वी वन प्लस वी टू के बराबर क्लियर है ये बात इसके अलावा बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे को निकालना क्या है हमारे को निकालना है एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल टाइम कितना लगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टी ए बी मतलब ए से बी जाने में जो टाइम लगा प्लस जो टाइम बी से डी जाने में लगा हमने बी से डी जाने वाले टाइम को कितना कह रखा है टू टी कह रखा है क्लियर है ये बात तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे एस डिवाइडेड बाय अब टी ए बी कितना हो जाएगा तो देखिए ए से बी तक वो कॉन्स्टेंट स्पीड से गया है ना और डिस्टेंस कितनी है एस बाई टू और स्पीड है उसकी वी नॉट तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे एस बाई टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी नॉट ठीक है प्लस अब यहाँ पर क्या करना है टू टाइम्स टी है ना तो टी कितना है तो वो है एस अपॉन टू टाइम्स वी वन प्लस वी टू के बराबर ठीक है तो यहाँ पर देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो गया और एस भी जो है वो हर जगह से कैंसिल आउट हो गया तो चलिए बच्चों इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो एवरेज स्पीड जो है वो कितना आ जाएगा यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं वन अपॉन इधर कितना आ जाएगा वन अपॉन टाइस ऑफ वी नॉट प्लस इधर कितना आ जाएगा वन अपॉन वी वन प्लस वी टू ठीक है तो अब यहां पर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एल सी एम लेकर के है ना तो यहां पर क्या लिख देंगे टू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी वन प्लस वी टू और ऊपर क्या आ जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट कलियर यही बात तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि ये फर्दर क्या बन जाएगा तो ये देखिए बच्चों हो जा वी एवरेज इज इक्वल टू टू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई वी वन प्लस वी टू और इसे डिवाइड करना होगा किसके साथ वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट ठीक है तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर ठीक है चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो देखिए बच्चों किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल t1 टू t2 को डिफाइन किया जाता है तो देखिए हमारे को सिर्फ इतना करना है डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है किससे टाइम इंटरवल के साथ जैसे कि मान लीजिए कि जो पार्टिकल है पहले ए पर था ठीक है और उस समय समय हो रहा था टी वन और अब वो चला गया बी पॉइंट पर और अब समय होने लगा टी टू ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए से बी जो है है ना ए से बी जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये रहा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्लियर है बात और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को है ना दैट इज ए बी वैक्टर को किससे डिवाइड करना है जो समय से यहां से आ जाने में लगा और वो कितना हो जाएगा तो टी टू माइनस टी वन हो जाएगा ठीक है और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है सेम एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर रही बात तो वही यहां लिखा है इफ द पार्टिकल इज एट अ पॉइंट ए at time t equal to t1 and at b at time t equal to t2 the displacement in this time interval is the vector ab vector to is hisab se average velocity in this time interval wo kya ho jayega v average vector is equal to ab vector upon t2 minus t1 इसके अलावा बच्चों यहाँ पर हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो ab vector है है ना वो basically क्या हो जाएगा r2 vector minus r1 vector है ना हम तो लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कह सकते हैं चेंज इन पोजिशन वेक्टर ठीक है तो वही चीज देखिए बच्चों यहां पर लिखी है ना हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर क्या है यही तो ए बी वैक्टर हो गया क्लियर है क्या हुआ कि ओनली द पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू टी वन एंड टी इक्वल टू टी टू आर यूज इन कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी है ना वो कैसे किस रास्ते से यहां पहुंचा ये तो हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी ठीक है तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं द पोजिशंस इन बिटवीन टी वन एंड टी टू आर नॉट नीडेड हेंस द एक्चुअल पाथ टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी हमें तो सिर्फ इससे मतलब है डिस्प्लेसमेंट से ऑल राइट चलिए बच्चों तो एवरेज वेलोसिटी की मदद से अब हम लोग क्या निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम टी तो देखिए बच्चों उसके लिए क्या करना होगा लेट द द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी बी वी एवरेज वेक्टर ठीक है तो हम लोग वी एवरेज वेक्टर को क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी यहां पर डेल्टा आर वेक्टर क्या है ये चेंज इन पोजिशन है या फिर इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल डेल्टा टी कह सकते हैं ठीक है अब बच्चों अगर मैं डेल्टा टी को vanishingly small कर बहुत बहुत छोटा और हम लोग डेल्टा अपॉन डेल्टा टी है ना इसकी अगर limiting value निकालेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी मतलब delta T tending to zero ले रहे हैं हम लोग तो ये क्या कहलाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी कहलाएगा तो यही हमारे को क्या दे रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर ऑफ द पार्टिकल किस समय एट टाइम टी दे रहा है क्लियर ये है बात क्योंकि फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं फिर से हम लोग दो ऐसे है ना दो ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जो बहुत पास पास है क्लियर है ना तो इन दोनों समय पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी वो तो सेम ही हो जाएगी ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि लेटर से उस समय है ना वेलोसिटी वी वेक्टर है तो v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय जो छोटा सा टाइम इंटरवल है डी है ना तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ये किसके बराबर आ जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ठीक है डी वेक्टर तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वी वैक्टर बराबर क्या आ गया डी आर अपॉन डी के बराबर ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वेक्टर है इज अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल क्लियर है जिस डायरेक्शन में उस समय वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर भी आएगा ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि द लेंथ डेल्टा आर वो किसके बराबर आ जाएगा इक्वल द डिस्टेंस डेल्टा इज ट्रेवल्ड इन दैट इंटरवल क्योंकि बहुत छोटे से इंटरवल की अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज तो हो ही नहीं रही है क्लियर यही बात तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कि डी आर वैक्टर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड तो यहां पर हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन डी टी अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज डी एस दैट इज स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन दैट इंटरवल तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वी बराबर क्या आ गया डी एस अपॉन डी टी आ गया लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना ये तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है एट टाइम टी क्योंकि यहां पर लिमिट है ना यहाँ पर टाइम में लिमिट है टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा है ठीक है तो इस वजह से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं वो ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी है ना उसे हम लोग कह सकते हैं और दूसरी चीज ये कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है स्पीड है ठीक है चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट सवाल है अ अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी वन फॉर टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी टू फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम दिलोसिटी बी इज गिवेन बाई एंड चलिए बच्चों को सोल्व करने के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो इंसान है है ना वो ए से बी जा रहा है अलॉन्ग अट्रेट लाइन ठीक है तो सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है कि वो वी वन वेलोसिटी से गया फॉर समाइम और फिर वो वी टू वेलोसिटी से गया फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम क्लियर है तो ऐसा मान लेते हैं कि ए से बी पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा टी टाइम लगा ठीक है तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि लेटर्स से कि वो टी टाइम के हाफ दैट इज टी बाई टू टाइम पर वो सी पर मान लीजिए पहुंचता है ठीक है तो हम लोग ए और सी के बीच की दूरी को कितना कह सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो वी वन है और उसको टाइम कितना लगा तो टी बाई टू टाइम लगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए से सी की दूरी कितनी हो गई वी वन इंटू टी बाई टू इसी तरीके से देखिए हम लोग सी से बी की दूरी कितनी कह सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी से बी जो है वो किस वेलोसिटी से गया है बी टू वेलॉसिटी से गया है और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा तो अगेन टी बाई टू टाइम लगा क्लियर ही बात तो इस तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एवरेज है ना एवरेज वेलोसिटी होगी ठीक है तो वो कितनी हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कह सकते हैं कि वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अपॉन टोटल टाइम टेकन तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस जो है है ना अपॉन हमें क्या करना है टी करना है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एस की वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी तो जो एस की वैल्यू है वो हो जाएगी v1 into t by 2 plus v2 into t by 2 और इसे डिवाइड करना है किसके साथ टी के साथ तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी आ जा रही है v1 plus v2 upon 2 के बराबर ठीक है तो बच्चों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अपॉन टू ठीक है अगला तो सवाल, सवाल है अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स मूव विदिफॉर्म विलोसिटी बी वन फॉर अ डिस्टेंस एक्स एंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस द एवरेज वेलोसिटी वी इज गिवन बाय एंड देयर आर फोर ऑप्शंस तो इस बार मान लेते हैं बच्चों कि इंसान जो है शुरुआत में ए पॉइंट पर था और फाइनली बी पॉइंट पर पहुंच गया ठीक है और हमारे से क्या कहा गया है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा तो जो टोटल डिस्टेंस है वो बेसिकली टू एक्स है क्लियर है ये बात तो अब देखिए क्या कहा गया है कि जो पहला एक्स डिस्टेंस है ठीक है जो पहला एक्स डिस्टेंस है वो उसने किस वेलोसिटी से ट्रैवल करा तो पहले उसने वी वन विलासिटी से ट्रैवल करा उसके बाद जो अगला एक्स डिस्टेंस है वो उसने किस वेलोसिटी से ट्रैवल करा तो वो उसने v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करा क्लियर यही बात तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मिड पॉइंट है उसको मैं c नाम दे दे रहा हूं तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि a से c जाने में है ना टी ए सी वो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा x अपॉन वी वन है ना उसी तरीके से हम लोग यहां पर यह भी देख सकते हैं कि सी से बी जाने में उसे कितना टाइम लगेगा है ना सी से बी जाने में तो टी सी बी जो है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन वी टू क्लियर ये बात तो यहां से अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी भी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2x का और उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ टोटल टाइम के साथ ठीक है तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक्स अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू के बराबर ठीक है तो देखिए बच्चों अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं पहले तो एक्स जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया ठीक है तो वी यहाँ से कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू ठीक है तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या आ रहा है तो यहाँ से वी देखिए हमारे पास आ जाएगा टू अपॉन इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं वी वन इंटू वी टू तो यहाँ आ जाएगा वी टू प्लस वी वन है ना तो बेसिकली ये क्या आ गया टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू बात तो देखिए बच्चों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा तो हम लोगों के पास क्या आया था हमारे पास v जो है वो बेसिकली आ गया था टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ठीक है लेकिन बच्चों इसे सॉल्व करने के पहले एक स्टेप पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये रिजल्ट आया था ना तो अगर इसको अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा टू अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन वी वन प्लस वी टू के बराबर थीके? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग फाइनली क्या देख पा रहे हैं हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओ पी इन फिगर थ्री पॉइंट वन इट मूव फ्रॉम ओ टू पी इन एटीन सेकेंड्स एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन सिक्स सेकेंड वट आर दुलसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम ओ टू पी एंड सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू तो चलिए बच्चों सबसे पहले सवाल के ए पार्ट को देखते हैं ना ए पार्ट में हमसे क्या कहा गया है ए पार्ट में हमसे कहा गया है टू फाइंड दूलॉसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी ठीक है तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि ये जो कार है ये इस ओ से पी की तरफ जा रहा है ठीक है शुरुआत में अब जो है ओ से पी जाने में उसे कितना टाइम लगा 18 सेकेंड्स लगा ठीक है तो पहले पार्ट में हमारे को तो ओ से पी के लिए ही मतलब है है ना तो ओ से पी ये है ना बिना डायरेक्शन चेंज किए जा रहा है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे इस बार बिल्कुल सेम हो जाएंगे ठीक है तो इस बार अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ वो दोनों एक ही हो जाएंगे क्लियर है क्योंकि ओ से पी जाने में उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज तो नहीं किया है ठीक है तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है ओ से पी की वही जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहलाएगी तो यहाँ पर जब मैं वी के बाहर एंगुलर ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि ये एवरेज स्पीड भी हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा तो वो आ जाएगा देखिए ओ से पी की दूरी है थ्री सिक्स ज़ीरो मीटर्स ठीक है और इसको डिवाइड किससे करना होगा तो देखिए दिया हुआ है सवाल में कि ओ से पी जाने में उसे एटीन सेकेंड्स लगे थे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने वी लिखा है है ना एंगुलर ब्रैकेट के अंदर तो ये आप एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं इसे या फिर एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं बात एक ही है ठीक है अब लेकिन बच्चों अगर हम लोग बी पार्ट के बारे में बात करें ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कार है वो ओ से पी गई फिर पी से क्यू आई क्लियर यही बात तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन में तो चेंज आया है ना पहले कैसे जा रही थी ऐसे जा रही थी और फिर पलट गई ठीक है तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहां पर यहां पर हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं क्लियर यही बात तो देखिए बच्चों एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना होगा हमारे को टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना होगा तो ओ से ये पी गया मतलब थ्री सिक्सटी तो इधर हो गया फिर पी से क्यू गया तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि पी से क्यू की जो दूरी होगी है ना वो कितनी हो जाएगी तो देखिए टू फोर्टी से थ्री सिक्सटी मतलब ये वन ट्वेंटी मीटर्स हो गया ना तो हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो डिस्टेंस चाहिए तो ओ से पी की दूरी थ्री सिक्सटी पी से क्यू की दूरी वन ट्वेंटी तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा थ्री सिक्स जीरो प्लस वन टू ज़ीरो और समय कितना लगा ओ से पी जा करके फिर क्यू आने में तो देखिए हमारे को दिया हुआ है कि ओ से पी जाने में अठारह सेकेंड लगा और फिर पी से क्यू जाने में फर्दर सिक्स सेकेंड्स लगा तो, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा एटीन प्लस सिक्स क्लियर ही बात तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा तो ये देखिए आ जा रहा है फोर एटी मीटर्स अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी फोर सेकेंड्स तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जा रहा है ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड के बराबर ठीक है अब बच्चों अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें ना अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं ठीक है ना तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितना आ जाएगा तो देखिए इनिशियल पोजीशन क्या थी इनिशियली तो ये ओ पे था ओरिजिन पर था और फाइनली ये क्या पहुँच गया तो ये क्यू पे पह पहुँच गया तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ टू फोर्टी मीटर्स का हुआ है ठीक है लेकिन ओ से क्यू पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा तो हम लोग जानते हैं कि वो ओ से जब क्यूँ पहुंचा है तो वो पी से होते हुए गया है तो टोटल टाइम तो चेंज नहीं होगा वो तो अभी भी कितना रहेगा एटीन प्लस सिक्स रहेगा ठीक है थेके? तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में आ गया टू फोर्टी मीटर्स और डिनोमिनेटर में आ गया कितना ट्वेंटी फोर सेकेंड्स तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि आ रहा है टेन मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर सिंपली प्लस साइन है ना टेन मीटर पर सेकेंड के बाहर प्लस साइन है तो ये हमारे को क्या बता रहा है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई है क्लियर यही बात और इस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर है टुवर्ड्स राइट है क्योंकि हमने राइट की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव एक्स कहा है क्लियर है ये बात <प्लाग> चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल है अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर इट मेक्स अ डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड चेंज इन about ऑफ द कार इज अबाउट एंड देखिए आर फोर पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक मोटर कार है जो पहले किस में जा रही थी टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही थी ठीक है कितने स्पीड से? तो किलोमीटर आर की स्पीड से अब क्या हुआ उसने 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया ठीक है मतलब अब जो है वो इस डायरेक्शन में जाने लग रही है ठीक है लेकिन उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आया मतलब कि अभी भी उसकी स्पीड कितनी है फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर है क्लियर यही बात तो अब हमसे बोला गया है कि फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार ठीक है तो हम लोग देखिए क्या कह सकते हैं अगर अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन को वाई एक्सेस कॉल कर रहा हूँ ठीक है मैं नॉर्थ की डायरेक्शन को क्या कॉल कर रहा हूँ मैं नॉर्थ की डायरेक्शन को वाई एक्सेस कॉल कर रहा हूँ और ईस्ट की डायरेक्शन को लेटर से एक्स एक्सेस कॉल कर रहा हूँ तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी है ना इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा 50 किलोमीटर्स पर आर क्लियर बात और इसी तरीके से जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है उसे मैं क्या लिख सकता हूं फिफ्टी किलोमीटर आवर और डायरेक्शन क्या हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस आई कैप ठीक है तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहां पर चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं ठीक है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर क्लियर है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिफ्टी माइनस आई कैप माइनस फिफ्टी जे कैप क्लियर है तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कितना जा रहा है माइनस फिफ्टी आई कैप माइनस फिफ्टी जे कैप और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें है ना डेल्टा वी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ फिफ्टी का स्क्वेयर प्लस फिफ्टी का स्क्वायर क्लियर है तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये कितने के बराबर आ जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा फिफ्टी रूट टू के ठीक है जो कि लगभग कितने के बराबर हो जाएगा तो हमें पता है कि रूट टू को हम लोग लिख सकते हैं वन पॉइंट फोर ठीक है तो लगभग वन पॉइंट फोर इंटू फिफ्टी ये कितना हो जाएगा सेवनटी किलोमीटर्स पर आर के बराबर ठीक है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन है ना सेवेंटी किलोमीटर पर आर मैग्नीट्यूड वाइज सही है अब डायरेक्शन के लिए क्या करें तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आया था माइनस फिफ्टी आई कैप माइनस फिफ्टी जे कैप क्लियर है तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे शो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को है ना तो ये हो गया माइनस फिफ्टी आई कैप और ये हो गया माइनस फिफ्टी जे कैप तो ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ नजर आ रहा है तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन को मैंने ईस्ट कहा है तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन वेस्ट हो गई उसी तरीके से पॉजिटिव वाई को मैंने क्या कहा था नॉर्थ कहा था तो नेगेटिव वाई साउथ हो गया तो ये बेसिकली कौन सी डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दैट इज दी किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट ठीक है चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल है कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक In one hour, and there are four options. First option is the displacement is zero. Second option is the distance covered is zero. Third option is the average speed is zero and the fourth option is the average velocity is zero. तो देखिए बच्चों हमारे को किसे देखना है हमारे को इस मिनट हैंड के टिप को देखना है तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर एक घंटे की बात की बात करें है ना तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर हैंड है वो तो यहाँ पहुंच जाएगा ना उस समय आठ बजे होंगे क्लियर है ही बात लेकिन ये जो टिप है ये वापस से वहीं पहुंच जाएगी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा लेकिन क्या डिस्टेंस कवर्ड ज़ीरो है बिल्कुल भी नहीं डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा टू बाई इंटू आर के बराबर मतलब इस सर्कल के पेरीमीटर के बराबर अब एवरेज स्पीड ज़ीरो होगी क्या तो बिल्कुल भी नहीं अगर डिस्टेंस कवर्ड जीरो नहीं है तो एवरेज स्पीड भी ज़ीरो नहीं होगी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी तो डिस्टेंस है टू पाई आर और टाइम कितना लगा इसे तो एक घंटा लगा तो ये हो जाएगा बेसिकली क्या एवरेज स्पीड अब एवरेज वेलोसिटी जीरो है क्या तो वो बिल्कुल जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्लियर है ये बात चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स पहला स्टेटमेंट है एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट ए है ठीक है और एक पॉइंट बी है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो है है ना वो डायरेक्टली ए से बी की तरफ ही गया ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज लेकिन अगर पार्टिकल जो है ए से बी कुछ इस तरीके के रास्ते में गया तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ऑब्वियस है कि डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो ज़्यादा रहेगा या तो जस्ट बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता है ठीक है अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि चूंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहता है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या फिर बराबर हो सकता है कभी भी छोटा नहीं हो सकता है तो इस वजह से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है है ना वो भी कभी छोटी नहीं हो सकती है मैग्नीट्यूड में एज कम्पेयर टू एवरेज क्लियर बात तो ये तो ये बिल्कुल सही है ठीक है अब चलिए बच्चों सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच मॉड ऑफ डी वी वैक्टर बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो बट डी ऑफ मॉड ऑफ वी वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू जीरो तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मॉड ऑफ वी वेक्टर का मतलब क्या हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है वो तो होता है स्पीड ठीक है तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि स्पीड में कोई भी समय के साथ चेंज जो है वो ना आए तभी तो डी स्पीड बाई डी टी इक्वल टू क्या हो रहा है जीरो हो रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू जीरो मतलब स्पीड जो है वो क्या रहे कॉन्स्टेंट रहे तो यहां पर बोला गया इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच क्टर बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो बट स्पीड टू कॉन्स्टेंट ठीक है तो अब इसको एनालाइज करते हैं ना कि ये हमारे को क्या बताना चाह रहा है तो देखिए यहां पर v vector का मतलब क्या हो गया वेलोसिटी वेक्टर ठीक है अब डीवी वेक्टर का मतलब क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर और अपॉन dt तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है मतलब कि समय के साथ है ना हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि समय के साथ चेंज इन वेलोसिटी को अगर देखें और उसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो समय के साथ क्या रहे चेंज करता रहे तो वेलोसिटी इज वेरिंग है ना हम लोग यहाँ पर ये यह देख पा रहे हैं है ना तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन इन विच वेलोसिटी इज वेरिंग बट स्पीड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो देखिए ऐसा तो हो ही सकता है ना अगर हम लोग सोचें कि यहाँ पर कोई एक कार है जो इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पर कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है तो लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेरी कर रही है ठीक है लेकिन स्पीड तो उसकी क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है तो इस वजह से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है ठीक है अब देखिए बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल तो देखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल के जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है है ना डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है जीरो है ठीक है अब यहां पर बोला गया है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो ऑल दो आ रही है इन टाइम इंटरवल लेकिन ये बोला गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कभी जीरो हो ही ना उस इंटरवल में तो अगेन वही वाला केस लेते हैं कि एक कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है ठीक है तो अगर ये ए पॉइंट है तो घूम करके जब वो दोबारा ए पॉइंट पर आएगी तो हम लोग समझ पा रहे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया लेकिन वो तो कभी रुकी ही नहीं वो तो कांस्टेंट स्पीड से जाते जा रही है तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है ठीक है चलिए तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं सवाल है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स पहला स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होता है बिल्कुल सही है अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल तो देखिए बच्चों ये तो तभी वैलिड होगा ना जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आए क्लियर ही बात ये हर समय तो वैलिड नहीं हो सकता है ठीक है ना तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो तो देखिए बच्चों अगर ये जो सिचुएशन जिसके बारे में ये बात हो रही है जिसमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ ऑलवेज जीरो मतलब कि पार्टिकल तो रुका हुआ है तो अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो जीरो ही आएगा तो उस केस में एवरेज स्पीड को भी क्या आना पड़ेगा जीरो ही आना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए यह भी गलत हो गया अब आखिरी ऑप्शन में क्या बोला गया इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर ज़ीरो बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज़ ज़ीरो तो देखिए बच्चों अगर पार्टिकल की स्पीड कभी भी जीरो नहीं है इसका मतलब वो डिस्टेंस तो ट्रैवल करता ही जा रहा है तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड तो ज़ीरो नहीं हो सकती है क्योंकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्लियर ही बात तो इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है ठीक है तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय <laughs>